चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां इस समय ज्यादा चर्चा में है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जहां प्रधानमंत्री के 5 साल के कार्यकाल को और उनके द्वारा किए गए कार्य को आगे ले जाकर चुनाव लड़ना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस या अन्य पार्टियां अभी भी नेगेटिव प्रचार और उसमें लगी हुई है। हमारे साथ डॉक्टर हरीश चंद्र बनवाल जी हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर मोदी ट्रायोलॉजी पूरी की है। उनकी जो पहली किताब थी मोदी मंत्र थी, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। उसके बाद उन्होंने मोदी सूत्र किया, क्योंकि मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी एक इंस्टीट्यूशन है खुद में। किस तरह से मोदी ने कई लोगों के जीवन को आगे बढ़ने में, उनके विचारों ने कैसे काम किया है, वो मोदी सूत्र उसको लेकर था। और मोदी नीति, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं और जो नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं कि इन 5 सालों में कुछ नहीं हुआ देश में, जबकि अगर आप गांव में जाएं, कस्बों में जाएं, लोगों के जीवन में बेहतरीन बदलाव आए हैं, बहुत सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन लोगों को जवाब देने के लिए मोदी नीति के रूप में किताब लेकर आए हैं हमारे साथ हरीश चंद्र बनवाल जी, जिसे प्रभात प्रकाशन ने छापा है। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी नीति पर जो है बहुत सारा कटाक्ष हो रहा है, जैसे गुजरात मॉडल पे होता था जी, एक समय में जी। खासकर आप देखेंगे कि जो रोजगार को लेकर होता है, उनकी नीतियों को लेकर जी, जैसे आप उनके जो ऊर्जा क्षेत्र को लेकर होता है बहुत ज्यादा, और उनके जो विकास के कार्य हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा घेरने की कोशिश करती है कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जी। तो मोदी नीति के रूप में सबसे पहले आप ये पाठकों को बताइए कि आपने रखा क्या है लोगों के लिए, जो उनके लिए समझना आसान हो और इस किताब को खरीदना आसान हो। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि मोदी नीति को लेकर के एक लोगों के बीच में एक उत्सुकता पैदा हुई है कि आखिर क्या है। मैं आपको मोदी नीति पुस्तक के बारे में बताऊं, इससे पहले थोड़ा सा मैं भी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। 2013-14 के कार्यकाल को देखिए, उस समय आपने सवाल उठाया और ये वाजिब सवाल है, क्योंकि उस समय ये चीजें उठ रही थी कि मोदी का गुजरात मॉडल क्या है, उसको फ्लॉप करार देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एक पूरा का पूरा नैरेटिव क्रिएट किया गया। अब आप समझिए, उस समय मैंने मोदी मंत्र लिखा था। मैं अगर आपको दिल से ये बात कहूं तो मैं उन लोगों में हूं जिन्होंने 2012-13 तक सैकड़ों स्टोरी, टेलीविजन न्यूज चैनल के लिए बता रहा हूं मैं, कि सैकड़ों स्टोरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखी है। जो चीजें आती थी उसे हम बढ़िया ढंग से अच्छी भाषा में पेश कर देते थे। मैं बता दूं आपको कि हरीश जी का टेलीविजन जर्नलिज्म का इतिहास है और वो इससे पहले IBN 7 में थे जी, जो अभी न्यूज 18 इंडिया हो चुका है। तो इसलिए वो जो कह रहे हैं कि स्टोरी उन्होंने लिखी है, तो एज ए जर्नलिस्ट जो है रिपोर्ट जो होती थी उसको डेस्क पे किस तरह से उन्होंने उसको मांझा है वो ये बता रहे हैं। यस, IBN 7 से पहले मैं स्टार न्यूज में रहा 3-4 साल के लिए, उससे पहले मैं जी न्यूज, DD न्यूज, इन सब के लिए भी काम किया। तो लगभग 17-18 साल का हमारा एक अनुभव है मेरा। तो आप यकीन मानिए कि उस समय जब मैं ये स्टोरीज लिखता था और उसके बाद ये भावना देश भर में आई कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जाना चाहिए, तब मेरी ये दिलचस्पी जगी कि भाई ऐसी क्या बात है कि जो व्यक्ति गुजरात में पिछले एक दशक से लोगों के, जनता के वोट को अर्जित कर रहा है, वो इंसान इतना नेगेटिव क्यों है मीडिया के लिए। तब मैंने ये बातें पढ़ने की कोशिश की और आप यकीन मानिए जो तथ्य मेरे पास आए, जो तथ्य मैंने जुटाए, वो अपने आप में हैरान करने वाला था। आप सोचिए कि 2012-13 में जहां पर महाराष्ट्र में बिहारियों को मारा जाता है, वो इंसान गुजरात में खड़ा होकर कहता आओ मेरे यहाँ काम करो, कमाओ खाओ और घर जाओ। जिस जगह पे हर पूरे देश में ग्रिड फेल होने की बात आती थी, वो इंसान कहता है कि गुजरात में आप कोई ऐसा जगह बता दो जहां पे अगर 5 मिनट के लिए बिजली जाती है तो खबर बनती है। तो कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूं कि वो तथ्यों पर लड़ रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ का मीडिया जो है वो नैरेटिव सेट करने में लगा था। शायद यही वजह थी कि 2014 में जो मीडिया का खड़ा किया हुआ प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। अब मैं आपको बताता हूं मोदी मंत्र, मोदी नीति। मोदी मंत्र में मैंने यही दिखाने की कोशिश की थी 5 साल पहले
कि प्रधानमंत्री के रूप में एक इंसान जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है उसने गुजरात में क्या किया, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो देश के बारे में क्या सोचता है, अगर वो प्रधानमंत्री बनता है तो वो देश के लिए क्या करेगा, देश की दशा दिशा क्या होगी, किस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज जब मैं मोदी नीति लेकर आपके बीच आया हूं तो इस पुस्तक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 5 साल पहले देश का माहौल क्या था, देश की दिशा क्या थी, देश की दशा क्या थी, और आज 5 साल बाद इस देश की दशा दिशा क्या है, कहने का आशय यह है। और दूसरी बात, इस पुस्तक में आपको कहीं पे भी तथ्यों का भरमार नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एक पूरा का पूरा एक व्यापक परिवर्तन मिलेगा कि देश किस तरीके से बदल रहा है इस 5 साल में। यस, तो आप पूरी की पूरी पुस्तक में, हालांकि मैंने इस पुस्तक में जानबूझ करके, चूंकि एक पत्रकारिता के धर्म को निभाते हुए मैंने कोई लाइन लेने की कोशिश नहीं की और रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ तथ्यों को उठाया, सिलसिलेवार ढंग से उसे सजाने की कोशिश की और उसको एक दिशा देने की कोशिश की कि ये तथ्य क्या कहते हैं। मैं इस पुस्तक में जो बहुत बड़ी बात है, मैं थोड़ा आपको पढ़ के भी बताना चाहूंगा कि मोदी नीति क्या है। मैंने लास्ट में लिखा है कि मोदी नीति सिद्धांत नहीं संभावना है, मोदी नीति विचार नहीं व्यवहार है, मोदी नीति रहस्य नहीं रियलिटी है, मोदी नीति सिर्फ सपना नहीं सच्चाई है, मोदी नीति प्रतिस्पर्धा नहीं अनुस्पर्धा है, मोदी नीति विवाद नहीं संवाद है, मोदी नीति जनता से विमुखता नहीं बल्कि जन सहभागिता है, मोदी नीति थोपने की कोशिश नहीं बल्कि अंदरूनी बदलाव है, मोदी नीति निराशा से दूर अंधेरों में भी आशा की लौ है, मोदी नीति काम करने की विवशता नहीं बल्कि कुछ कर गुजरने की चाहत है, मोदी नीति मदद देकर मजबूर नहीं बल्कि स्वावलंबी और मजबूत बनाती है, मोदी नीति शोषित को सशक्त बनाती है, मोदी नीति महिलाओं का सिर्फ विकास नहीं करती बल्कि उनके नेतृत्व में समाज को आगे ले जाती है, मोदी नीति दुनिया के ताकतवर देशों के सामने गिड़गिड़ाती नहीं बल्कि आंख से आंख मिलाकर बात करती है। ये अपने आप में एक रेटोरिक है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा हर शब्द के पीछे, हर वाक्य के पीछे कहीं ना कहीं तथ्यों की भरमार है। आप ऐसा सीक्वेंस खड़ा कर सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि देश किस दिशा में बदल रहा है। एक चीज कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू से इसको जोड़ते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है, और नरेंद्र मोदी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर संसद के अंदर कई बार उस चीज को चैलेंज भी किया कि भारत 47 से नहीं है, भारत सदियों से रहा है जी। और लेकिन नरेंद्र मोदी अपना एक नया कॉन्सेप्ट भी लेकर आ गए हैं न्यू इंडिया का जी। तो ये न्यू इंडिया पौराणिक इंडिया से कैसे डिफरेंस है उसका, और ये न्यू इंडिया जवाहरलाल नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि आपने एक चैप्टर भी लिखा है न्यू इंडिया पे जी। तो मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो न्यू इंडिया का संकल्प है जी, और वो क्या है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये सवाल अपने आप में बहुत सार्थक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, और आप आश्चर्य करेंगे, आपने दो चीजों को कनेक्ट किया, एक तो न्यू इंडिया पौराणिक इंडिया, एक अपने आप में एक व्यापक चैप्टर है, दूसरा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया मींस आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया मतलब जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक किस प्रकार का बदलाव है। आप अगर इस पुस्तक का पहला चैप्टर देखें, नरेंद्र मोदी भारतीय लोक संस्कृति के संवाहक, और दूसरा चैप्टर है पौराणिक ग्रंथों से आधुनिक विकास की प्रेरणा लेते ऋषि मोदी। मैं पहली बात पे आता हूं कि जो पौराणिक हमारी परंपरा है, सभ्यता है, संस्कृति है, आप ध्यान रखिएगा और आपको देखने को भी मिलेगा, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी पॉलिसी को ले लीजिए, आप पर्यावरण को लीजिए, आप महिला सशक्तिकरण को लीजिए, आप गरीब को लीजिए, आप जो वंचितों दलितों शोषितों को उठाने की उनकी योजनाओं को लीजिए, यहां तक कि आप GST को लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मिलेगा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा भारतीय संस्कृति में है। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर इस पर रिसर्च करके लिखा है, मैंने एक एक विषय को और उस विषय के पीछे उनकी प्रेरणा क्या क्या है उसको निकालने की कोशिश की है। बकायदा आपको ध्यान होगा जब GST पारित हो रहा था रात के 12 बजे, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय परंपरा संस्कृति से उठा करके चीजों को रखा था। मैं एक आध उदाहरण भी आपके सामने रखना चाहूंगा।
कि आप देखिए कि जैसे आतंकवाद का हल भारतीय संस्कृति में मैंने लिखा है, अब उसमें उन्होंने ऋग्वेद के माध्यम से ये बात रखी थी एकम, यस ये प्राइम मिनिस्टर ने 5 फरवरी 2017 को ये बात कही, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, संत इसे अलग अलग तरीके से कहते हैं, और किस प्रकार उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा, इसी तरीके से सहना ववतु सहनो भुनक्तु वाली बात कहकर के उन्होंने आतंकवाद से जोड़ा। पर्यावरण की रक्षा की बात जब करते हैं तब भी वो वेद की बात को रखते हैं कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। आप देखिएगा एक बहुत बड़ा बदलाव है, पर्यावरण के मामले में हम कहाँ थे, हम हमेशा डिफेंसिव रहते थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हम एग्रेसिव मोड में हैं और पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है। आपने देखा होगा कि क्लाइमेट जस्टिस की बात पहली बार पूरी दुनिया ने COP21 के दौरान इस बात को स्वीकार किया, और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की देन है। आपने ध्यान दिया होगा कि पहली बार इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की परिकल्पना को सामने रखा और पूरी दुनिया ने माना, ये सारा का सारा हमारे पारंपरिक ग्रंथों से आता है। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो वो किस प्रकार बताते हैं कि हमारे देश में शुरू से लेकर अब तक महिलाओं की धारणा को किस प्रकार से देखा गया, वो पूरी की पूरी कहानी बताते हैं। मैंने राजनीति में नैतिकता का आग्रह, इस पर भी वो राज्यसभा में संस्कृत के श्लोक को कोट करते हैं। भारत में जो नई इंडिया की जो संकल्पना रखी है प्रधानमंत्री मोदी ने जी, वो पौराणिक इंडिया के विचार को नए रूप से उसको इम्प्लीमेंट शायद उन्होंने किया है, और तकनीकी नई तकनीकी है, विचार पौराणिक है मुझे लगता है, पर उसमें बीच में जो मिस होता है वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। तो कुल मिलाकर आप इस बात से सहमत होंगे कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है, और पौराणिक ग्रंथों में जो बातें बताई गई हैं, उन बातों को आज अपने जीवन में उतारने की परिकल्पना है। अब रही बात न्यू इंडिया की, न्यू इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। न्यू इंडिया कोई ऐसा इंडिया नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं परंपराओं को आधार बना करके उसके करने की शैली को बदलने की कोशिश है न्यू इंडिया। अच्छा, न्यू इंडिया ही नहीं बल्कि नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जो एक बड़ा बदलाव है वो भी अपने आप में बहुत सशक्त है। मैं आपको न्यू इंडिया के चैप्टर में जा करके कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ये चैप्टर नंबर 7 है और इस चैप्टर में मैंने एक एक विषय को पकड़ने की कोशिश की है। न्यू इंडिया के मायने संकल्प से सिद्धि तक, अब इस बात को समझेंगे कि जो संकल्प उन्होंने लिया उसको पूरा किया, उसको पूरा किया है। अब आप देखिए क्या है न्यू इंडिया, कार्य संस्कृति को बदलने की कोशिश। भाई काम तो पहले भी होते थे, आपने उनका एक बहुत ही फेमस कोट सुना होगा, वही दफ्तर वही फाइल वही अधिकारी लेकिन काम करने का ढंग बदल गया, ये है न्यू इंडिया। इसमें आपके पास हजारों तथ्य मिलेंगे कि मोदी सरकार ने 40 साल से अटकी वन रैंक वन पेंशन को लागू किया, सैकड़ों प्रोजेक्ट, कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया, आज प्रधानमंत्री मोदी उसे पूरा कर रहे हैं। मतलब न्यू इंडिया जो कार्य संस्कृति है जी, जो एक तरह से लाल फीताशाही का शिकार थी जी, नरेंद्र मोदी ने उसको बहुत ज्यादा एक्टिव किया। मैं उन्हीं योजनाओं को जो है, मैं कुछ और पॉइंट रखना चाहता हूँ। न्यू इंडिया जहाँ कानून का कम से कम दखल हो, हर दिन 3-4 कानून खत्म होता है, अगर आप पूरे कानून को देखें 1400 प्लस। न्यू इंडिया भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार नहीं बल्कि सख्ती से कार्रवाई, ये भी दिख रहा है। न्यू इंडिया हर गरीब के पास पक्का घर, बिजली और पानी की सुविधा हो। न्यू इंडिया 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो, और इस दिशा में काम कर रहे हैं वो। न्यू इंडिया एवरग्रीन रिवॉल्यूशन यानी सदाकाल हरित काल। न्यू इंडिया महिला विकास से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व में विकास। न्यू इंडिया संकल्प से सिद्धि तक। न्यू इंडिया जो स्वच्छ हो स्वस्थ हो। न्यू इंडिया वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व। एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, लाल बत्ती को खत्म करना इसी दिशा में। न्यू इंडिया आतंकवाद संप्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त भारत। न्यू इंडिया पूर्वोत्तर के राज्यों को भी समान महत्व। कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाहता हूं कि
ये सारे जो चैप्टर के अंदर हमने छोटे छोटे बिंदुओं में बांटा है, सब चैप्टर क्रिएट किया है, इसमें कम से कम दर्जनों एग्जाम्पल है। न्यू इंडिया का मतलब पूरी की पूरी तरीके से एक सोच में, विश्वास में, आत्मविश्वास में, हौसले में, कार्य करने के संकल्प में, और जो दौड़ने की गति है विकास को लेकर, इन पूरे के पूरे थॉट प्रोसेस में बदलाव का संकेत है। आपने देखा होगा अभी एक घटना हुई पुलवामा की। हम क्या आज तक क्या सोचता था, पूरी दुनिया ये सोचती थी कि जो न्यूक्लियर पावर है वो तो आपस में लड़ेंगे नहीं। हम डर डर के जीते थे, हमारे लोगों को कोई मार के ले जा रहा है और हम डर डर के जी रहे हैं कि हम कैसे लड़ें। परमाणु बम है, उसके पास भी है, हमारे पास भी है। आज क्या स्थिति है? आज पाकिस्तान डर रहा है। और दूसरा का दूसरा जो पूरी दुनिया में नैरेटिव बदला है वो ये है कि अगर आप न्यूक्लियर पावर हैं तब भी आप अपने आप को बचाने के लिए कन्वेंशनल वॉर कर सकते हैं और सामने वाला भी डरेगा, जो गलत होगा वो डरेगा। तो ये पूरी की पूरी जो थॉट प्रोसेस बदली है, यही न्यू इंडिया है। बहुत अच्छी बात है न्यू इंडिया का आपने, चूंकि न्यू इंडिया पे राहुल गांधी और कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमेशा सवाल उठाती रही कि नरेंद्र मोदी एक नया भारत गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी दर्शकों को बता दूं और जो हरीश जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी नया भारत गढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, भारत वही है, उसके जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक होता था कि लाल फीताशाही, या अब तक होता था जैसे आतंकवाद पे कि हम हमेशा ही डिफेंसिव हो जाते थे, उस पूरे कार्य संस्कृति को जो है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इसलिए उन्होंने जो लोकतंत्र में जन सहभागिता पे जोर दिया है कि एक प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बदल सकता, जनता को भी अपना काम करना होगा। इसमें आपने प्राइम मिनिस्टर का जो पर्यावरण वाला मुद्दा है वो बड़ा अच्छे से टच किया है। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो अर्थ का जो आपने वो चैंपियनशिप का जो अवार्ड है उनके पास वो लिया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ पेड़ गिरा दिए हैं जी, बम मार के, और हमारे जो बालाकोट में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। तो पाकिस्तान को इस किताब के जरिए आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? आप समझिए कि आप यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पाकिस्तान को आपको जवाब देना है, नरेंद्र मोदी का अर्थ अवार्ड आपको बचाना है, तो ये किताब किस तरह से उसको मदद करेगा? देखिए ये तो मतलब थोड़ा मजाक मतलब के लिए अच्छा है। देखिए एक और भी चीज है, यस यस आप ठीक कह रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया में चल रहा है कि यार ये तो सही हो गया, दो दिन पहले सियोल में पीस प्राइज मिला और अगले दो दिन बाद उन्होंने पाकिस्तान को में जाकर 1000 किलो बम गिरा दिया। तो एक्चुअल में क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये दो चार पेड़ गिराने वाली बात नहीं है, ये तो मजाक में हो सकता है। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है, वो यूनाइटेड नेशन में गया है कल। हाँ नहीं अच्छा किया, वो और फजीहत होगी उसकी, उसकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी फजीहत हुई है उसकी। आज देखिए ना पूरी दुनिया में क्या स्थिति है, बात पर्यावरण की है, पर्यावरण को लेकर के आप समझिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी की पूरी दुनिया को अगर कोई सबसे बड़ा योगदान माना जाएगा, मैं पूरी दुनिया की बात कह रहा हूं, अभी भारत की बात भी नहीं कह रहा, तो उसमें जो दो चार सबसे बड़े योगदान होंगे उसमें पर्यावरण भी होगा। अब पर्यावरण के पूरे संदर्भ को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया क्या है। आप देखिए पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी पर्यावरण को लेकर, कभी एकमतता नहीं थी, विकसित देश विकासशील देशों को, विकासशील देश विकसित देशों को ये आरोप लगाते थे भैया तू कर रहा है टाइप से, कभी एक सहमति नहीं बनी। 2017 में आई हो 16-17 में पहली बार जब पेरिस एग्रीमेंट वाली बात आई जिसको COP21 भी बोलते हैं, उस दौरान पहली बार प्रधानमंत्री ने यह अपील की कि हम क्लाइमेट जस्टिस की ओर जाएंगे, और पहली बार दुनिया में किसी एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट में क्लाइमेट जस्टिस की बात को माना गया। उसी दौरान प्रधानमंत्री की एक पुस्तक भी रिलीज हुई कन्वीनियंट एक्शन ऑफ एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ। उस दौरान पीएम ने एक और धारणा दी कि क्यों ना हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन करें, ये फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पीएम ने दिया। और आप देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की कि प्रधानमंत्री की इस पहल को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, एक एग्रीमेंट की स्थिति बनी, और उसके बाद पूरी दुनिया ने ये माना कि चूंकि ये नरेंद्र मोदी
ने इतना काम किया है तो हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो सेक्रेटेरिएट होगा जो वर्ल्ड का, वो भारत में बनेगा। आपको जान करके ये बड़ी खुशी होगी, पूरे देशवासियों को खुशी होगी कि ये दुनिया का पहला ऐसा वैश्विक संस्था है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका सचिवालय भारत में है, गुरुग्राम में है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की ये बहुत बड़ी देन है। दूसरी बात कि कल तक हम डिफेंसिव थे, हम रोने वाली स्थिति में थे कि भैया हमें मत दबाओ यार, हमें मत दबाओ, हम तो पर्यावरण थोड़ा बहुत गंदगी होगी। हम आज क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई हमें मत सिखाओ पर्यावरण कैसे बचाना है। पर्यावरण को लेकर भारतीय संस्कृति की अपनी परंपरा है जहां बच्चा उठने के बाद पहले धरती माता को प्रणाम करता है। यहां सारे पूजा पाठ देवी देवता तो पेड़ पौधों से जुड़े हैं, वो पर्यावरण से जुड़े हैं। तो ये धारणा पूरी दुनिया में बदली। अब ये होता है कि अगर आपको पर्यावरण के लिए कुछ करना है तो भारत की ओर लोग देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी संकल्पना है जिसको पूरे विश्व में मान्यता मिली है। इसलिए ये हल्की फुल्की चीजें हैं, पाकिस्तान जाना चाहे जाए, उसे वहां पे भी बुरी तरह फजीहत होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और इसमें एक चीज और आपने उठाया है, भाषाई एकता को लेकर। जी, और हम सब ने देखा है कि जब बेंगलोर कर्नाटका का चुनाव हो रहा था जी, तो वहां के मेट्रो में जो हिंदी में लिखा गया जी, तो कांग्रेस सीतारमैया थे तब मुख्यमंत्री जी, और उन्होंने उसका कितना घोर विरोध किया था जी। तो भाषाई जो डिवीजन है भारत में जी, जिसको कांग्रेस के समय से खींचा गया था जी, और आज अभी शशि थरूर का एक ट्वीट भी कुछ दिन पहले हुआ था कि हिंदी हम पे थोपी जा रही है, शशि थरूर का ट्वीट था जी। तो कांग्रेस का जो ये भाषाई डिवीजन है उसको नरेंद्र मोदी ने भाषाई एकता से कैसे पाटा है? देखिए ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैं बंगाल से आता हूँ और आप यकीन मानिए कि हिंदी भाषा का जो सबसे बड़ा विरोध शुरुआती समय में हुआ था वो तमिलनाडु में था, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में था और बंगाल में था। आज स्थिति बदली है। अब चूंकि आपने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया तो मैं कर्नाटक से ही अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। कर्नाटक चुनाव के दौरान एक रैली थी, आपने देखा होगा कि हर रैली में जो हिंदी से इतर हैं वहां पर कोई ना कोई दुभाषिया होता है जो प्रधानमंत्री की बात को ट्रांसलेट करता है। कर्नाटक के चुनाव के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात रखी, हिंदी में शायद रखी, और जो दुभाषिया था उन्होंने, शायद कोई मंत्री ही थे, उन्होंने उसे कन्नड़ में ट्रांसलेट करना शुरू किया। तो लोगों ने एकदम जबरदस्त तरीके से हंगामा मचाना शुरू कर दिया। शुरू में समझ ही में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। फिर पीएम ने कहा, फिर दुभाषिया ने बोला, तो लोगों ने फिर हुड़दंग मचाना शुरू किया। तब ये पता चला लोग इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप जो बोल रहे हैं वही बोलिए, दूसरे की जरूरत नहीं है, कोई ट्रांसलेट करे इसकी जरूरत नहीं है। और मतलब वो जो दृश्य है वो अपने आप में बहुत भव्य है कि कन्नड़ भाषी इस बात के लिए लड़ रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप सीधे बोलिए, हम आपसे सीधे कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हिंदी ना भी जानते हो, ये हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये भाव कैसे पैदा होता है? अगर किसी इंसान को, आम जन को ये लग जाए कि ये इंसान भाषा थोप रहा है तो वो आपके पास तो पहली बात जाएगा नहीं। दूसरी बात, अगर वो जानता भी है हिंदी भाषा या कोई भी भाषा ABCD, तो वो न समझने का ढोंग करेगा। परंतु कन्नड़ में जो ये कर्नाटका में ये जो चीजें हुई वो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देती है। अब इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे की वजह ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीयत है, जिस प्रकार उन्होंने काम किया, लोग इस बात को समझते हैं। उन्होंने भाषा को लेकर के बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने हिंदी, वो एक तो वो खुद भी हिंदी भाषा भाषी राज्य के नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा इसलिए सीखी क्योंकि इस देश का ज्यादातर बहुसंख्यक हिंदी भाषी है। अच्छा, दूसरी बात, उन्होंने हर भाषा को प्रश्रय देने का काम किया है। आप उनके पुराने, मैंने इसलिए हिंदी भाषा पे अलग चैप्टर लिखा क्योंकि जहां हम हिंदी भाषियों में ये लगता है कि यार हिंदी भाषा ही सब कुछ होनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को देखने के बाद ये एहसास होता है कि हमें भी बाकी भाषाओं को उसी प्रकार सम्मान देना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए, और उनको हिंदी सिखाने के लिए हमें भी उनके बारे में दो चार शब्द सीखने चाहिए।
तो कुल मिलाकर भाषा को लेकर एक अलग दायरा दिखा, एक अलग क्षेत्र दिखा, तभी मैंने एक विशेष चैप्टर क्रिएट करने की कोशिश की है। ये अब तक होता रहा है कि जब हम हिंदी भाषी लोग हिंदी की बात करते हैं तो एक लगता था शुरुआत में कि भाषा थोपी जा रही है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो गुजरात से हैं। आप उनके प्रोनाउंसिएशन देखिए, अभी भी वो आजादी को आजादी बोलते हैं, उनका जो गुजराती प्रोनाउंसिएशन अभी भी है, लेकिन वो हिंदी में बात करते हैं। और हिंदी भाषा एक ऐसी, महात्मा गांधी ने भी कहा था उस जमाने में, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि भारत को अगर एक भाषा बांधती है, कनेक्ट करती है, तो हिंदी जो है, और देवनागरी लिपि क्योंकि संस्कृत के बहुत करीब है और संस्कृत एक समय हमारी मूल भाषा होती थी। दुनिया में भी आप अगर देखें कि प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं तो वो हिंदी में संबोधित करते हैं, और इसलिए शायद आप दिल्ली के लुटियंस कल्चर में देखेंगे कि पहले जब अंग्रेजी का लोग बैठते थे तो हिंदी में सवाल करने वाले का पसीना उतर आता था, वो तोड़ मोड़ के हकला के इंग्लिश में पूछने की कोशिश करता था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो एक कॉन्फिडेंस दिया है हर उस क्षेत्रीय भाषा वाले को कि वो अपनी बात अपनी भाषा में पूछे, और जो देने वाला है वो अपनी भाषा में जवाब दे। भाषाई जो ये विभाजन की जो राजनीति खींचने की कोशिश की थी कांग्रेस ने, वो कांग्रेस सरकार भले उसने उन्होंने वहां बना लिया हो, पर कांग्रेस को जनता ने ठुकरा कर मुझे लगता है एक सबक देने की कोशिश की थी। मैं इस आखिरी उसमें चलता हूं। हरीश जी, आपने एक और चीज जो है इसमें लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और अभी उसका भी मैं देख रहा हूं कि राजनीति के कारण थोड़ा विरोध जो है, जैसे झारखंड ले लें हम, छत्तीसगढ़ ले लें, झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ ले लें, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो आयुष योजना है, स्वास्थ्य की जो योजना है, जो 50 करोड़ लोगों पर, मतलब लोगों को इससे सीधे जोड़ती है और 5 लाख का बीमा देती है, गरीबों को जी का जीवन जो है ऊपर उठाती है, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी विरोध शुरू कर दिया है, और कांग्रेस के अलाइज भी, जैसे मैं दिल्ली में हम रहते हैं, केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है और उसने वहां से हटा दिया है, और वहां के स्वास्थ्य मंत्री का तो कल एक बयान था कि ये जो योजना है वो गरीब विरोधी है। तो ये आपने इस मोदी नीति को, जो स्वास्थ्य नीति है, इसको आम जनता से कैसे जोड़ा, कैसे समझाने की कोशिश की कि ये जो स्वास्थ्य नीति है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य नीति है, आपके देश में है, आपके घर में है, आप इसका लाभ उठाइए। देखिए संदीप जी, ये बहुत बड़ा विषय है। दरअसल आपने देखा होगा कि हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हर परिवार में स्वास्थ्य को लेकर कई बार की परेशानियां आती हैं, मेरे भी घर में आई हैं। मतलब स्टेंट लगाने से लेकर के बुजुर्गों के नी ट्रांसप्लांट से लेकर के दवाइयों को लेकर के, मतलब पूरा का पूरा दायरा आप पकड़ लीजिए, उन सभी दायरों में प्रधानमंत्री ने काम करने की कोशिश की है। मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, अगर मुझे लाभ मिला है तो मैं जानता हूं। और आयुष्मान भारत की जहां तक बात है, इस समय जब से ये योजना लागू हुई है, हर दिन 10,000 लोग, मतलब हजारों लोग, 9-10 हजार के करीब लोग रोज इसका फायदा उठा रहे हैं। अब कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन जिन 10,000 लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए तक की राहत मिल रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जो एक बीमारी में हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, जीवन भर के लिए कर्जदार हो गया। आज क्या है, आज एक आदमी बीमार होता है, उसे 5 लाख रुपए तक का सहारा मिल जाता है। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं। सरकार ने जन औषधि योजना शुरू की, केंद्र शुरू किया, आप जाइए दवाइयां 80% सस्ती मिल रही हैं। ये तो लोगों की बाइट्स देख करके हमें पता चल जाता है। कम से कम 800 दवाइयां ऐसी है जिनके दाम पे लिमिटेशन लगा दिया गया है, जो जिनके दाम अपने आप कम हो चुके हैं। स्टेंट, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, हार्ट ये स्टेंट लगाने का जो खर्च है, वो स्टेंट ही करीबन, मतलब एक एक स्टेंट 1,00,000 रुपये, 80,000, 1,50,000 में होता है। आज क्या कीमत, 25,000 रुपये, 8,000 से लेकर के 25,000 है नी ट्रांसप्लांट। इसके अलावा पीएम ने बहुत छोटी छोटी योजनाएं शुरू की हैं, मतलब ये अपने आप में अद्भुत है। एक बार मन की बात में उन्होंने कहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर हर महीने के 9 तारीख को
गर्भवती महिलाओं को देखे और फ्री में देखे। आप यकीन मानेंगे कि डॉक्टरों में इतना उत्साह था, जिस प्रकार से सब्सिडी छोड़ने वाली गैस सब्सिडी और उसके बाद ट्रेन में भी सब्सिडी। आपको आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक बार कहा था कि क्या बुजुर्ग जो सहन कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं, वो अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। लाखों लोगों ने छोड़ दिए। तो इसी प्रकार डॉक्टरों ने 9 तारीख को जिस प्रकार से महिलाओं को देखा, वो अपने आप में अद्भुत है। क्या किसी देश का प्रधानमंत्री लोगों से ये छोटी छोटी बात करता है कि आप एंटीबायोटिक को इस तरीके से इस्तेमाल करें? उन्होंने ये शेयर किया है। बहुत छोटी छोटी चीजें। आज इंद्रधनुष योजना अपने पीक पर है। मुझे ध्यान नहीं है कौन सी बीमारी है, उसमें यूएन ने लक्ष्य 2028 तय किया, इन्होंने अपने आप 2025 तय कर लिया। तो बहुत सारे रोगों पे अलग अलग तरीके से प्रहार करना, देश को मजबूत बनाना। अच्छा, दूसरी बात जहां तक स्वास्थ्य की बात है, मैं कई ऐसे डॉक्टर को जानता हूं जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद आयुर्वेद, होम्योपैथ और बाकी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, उस पर लोगों का ध्यान गया है। ये अपने आप में बहुत सकारात्मक उसके लिए उन्होंने जो एक आयुष मंत्रालय ही अलग से है और जो काम कर रहा है। और दूसरी बात, इन सब को खड़ा करने के पीछे आप देखिएगा, दो डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि देश में आयुर्वेद और एलोपैथ के बीच लड़ाई हो गई, होम्योपैथ या एलोपैथ के बीच लड़ाई हो गई। नहीं, दोनों के अपने महत्व हैं और दोनों का एक सार्थक तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरी बात, आयुष्मान भारत की मैं बताना चाहूंगा। आयुष्मान भारत में क्या ऐसा है कि पूरी दुनिया की नजर लगी है? यही कांग्रेस आज से कुछ महीने पहले ये बोल रही थी कि ये तो हो ही नहीं सकता, आप देश के 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर साल कैसे दे देंगे? आपको ध्यान होगा पूरी दुनिया ने ये अंदेशा जताया कि ये हो ही नहीं सकता। मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है कि जो कांग्रेस है और कांग्रेस समर्थित कुछ पत्रकार हैं, जी, वो ये जो इंश्योरेंस है, अब मोदी विरोध के कारण इंश्योरेंस पॉलिसी का ही विरोध करने लगे। जी, और शायद मुझे याद आता है भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी ने और शायद पुण्य प्रसून वाजपेयी से पूछा था कि क्या आप बताएंगे कि आप इंश्योरेंस के पूरे नियम और पॉलिसी के विरोध में हैं। कल जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा वो भी यही कुछ था। जबकि आप एक गाड़ी भी लेते हैं, स्कूटर लेते हैं, आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं, ये तो आपका शरीर है, उसका इंश्योरेंस कितना जरूरी है। पैसा वाले करा लेते थे जी, निम्न मिडिल मध्यम वर्ग और जो गरीब तबका है वो कभी नहीं ले पाता था इंश्योरेंस पॉलिसी। और साहूकार से कर्ज लेकर कट्ठा दो कट्ठा एकड़ भर जमीन है उसको बेचकर घर गिरवी रखकर एम्स में, मैं बड़ा समय तक हेल्थ रिपोर्टिंग मैंने की है दैनिक जागरण और नई दुनिया इन सब में, तो 6-6, 6.5-8 हजार लोग एम्स पे पूरा दबाव था उसका। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग घर बेचकर आते हैं। और मुझे एक महिला याद आती है कि उसके जो है कैंसर, उसका ब्रेस्ट कैंसर शुरू हुआ और उसका जो डेट मिलने में, उसके इलाज में इतना लंबा समय हुआ कि वो कैंसर पूरा पीठ तक फैलते हुए उस महिला को खत्म कर दिया, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। बिल्कुल। वो लोग जो हैं, उन लोगों को एक इतना बड़ा सहारा मिला है इस हेल्थ पॉलिसी से। और आश्चर्य होता है कि जो कांग्रेस पार्टी और जो उनके लिए बैटिंग करने वाले पत्रकार हैं, किस तरह से ये बातें करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं, बल्कि एक तरीके से मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं, ये आपको कोई बताएगा नहीं। मेरा एक मित्र है, वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री किसानों के लिए जो फसल बीमा योजना है, ये सारी योजनाएं हैं, इसके लिए अलग अलग कंपनियों को टेंडर मिलता है, ऑक्शन होता है, मुझे ये पूरी प्रक्रिया नहीं पता, लेकिन अलग अलग कंपनियों को अलग अलग राज्य में मिलता है। तो कहीं एक ऐसा मौका आया कि आपको अगर ये लेना है इंश्योरेंस तो आपको घूस देने पड़ेंगे, ऐसा कहीं हुआ किसी राज्य में। तो उसने कहा भैया हम घूस नहीं देंगे, पीएम मोदी तो ऐसा ही कहते हैं। तो जो मांगने वाला पक्ष है वो मांग भी नहीं पाया, क्योंकि उसे भी डर था कि इसे तो लागू करना ही करना है, पीएम का है। अब उस कंपनी से मैंने पूछा कि भैया फिर तो आप लोगों के बाहर है। बोलता नहीं सर, दबाव है। तो किस प्रकार का दबाव है? उसने जो बातें कही वो बड़ी अद्भुत है, मतलब ऐसा हमारे लिए सोचना बड़ा मुश्किल है। उस इंसान ने ये कहा कि हमारे ऊपर ये दबाव है कि अगर किसी किसान को कोई घाटा हुआ है तो आप कितनी जल्दी दे सकते हैं ये सुनिश्चित करना पड़ेगा।
अगर आपने उसमें देरी और लेट लतीफी की तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। मतलब कंपनियों में इतना दबाव है कि अगर किसी जेन्युइन किसान का, किसी जेन्युइन आदमी का कोई नुकसान हुआ है और उसका इंश्योरेंस है तो आपको इंश्योरेंस के पैसे देने पड़ेंगे, यही दबाव है। तो मन मिलाकर के ये एक सकारात्मक संदेश, इसको मैं दबाव की जगह कहूंगा कि कंपनी को एक अच्छे राह पर, मोदी नीति पर चलाने की कोशिश है। और मुझे लगता है कि मोदी नीति क्या है ये आप सब अब देख रहे हैं। उदाहरण से ही समझ लीजिए, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। इससे पहले क्या होता था, इंदिरा गांधी योजना, राजीव गांधी योजना, जवाहरलाल नेहरू योजना, इतनी सारी योजनाएं नाम पे होता था, यहाँ पद पर है, प्राइम मिनिस्टर के, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो सकता है आगे जाके कभी भी। ये जो कार्य संस्कृति बदली है उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि आपको भी जब जब चुनाव अभी अब घोषणा हो चुकी है, 2 महीने पूरा देश, पूरा दुनिया भारत के चुनाव में रंगा रहेगा। आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे मीडिया हाउस, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे विरोधी आपको भटकाने की कोशिश करेंगे कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। वो कहने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री ने पकौड़ा तलने की बात की है, असल में प्रधानमंत्री ने रोजगार की बात की थी, नौकरी की नहीं। लेकिन वो लोग जो पकौड़े की बात कर रहे हैं वो असल में आपको नौकर बनाए रखना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आपको मालिक बनने का एक अवसर दिया, और जो पकौड़ा तलने वाली बात कर रहे थे उन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में जो है बैंड हाँकने का ट्रेनिंग दे रही है, बैंड बाजा बजाने का ट्रेनिंग दे रही है। पर आपने देखा होगा कि किसी एनडीटीवी पर रवीश कुमार ने, किसी पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी ने ये इस पर विमर्श नहीं किया, क्योंकि वो फेक नरेशन गढ़ने का काम करते हैं। उस फेक नरेशन को काटना है, और आप सही में चाहते हैं कि अगला कार्यकाल प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक सुखद कार्यकाल और सहज हो, वोट जो है 300-400 सीटों तक जाए, तो मोदी नीति आप लोग इसको पढ़ें और गांव पे, चौपाल पे, चाय की दुकान पे, नाई की दुकान पे आप अगर इस चीज को समझे रहेंगे तो मुझे लगता है आप आम लोगों को समझा पाएंगे, उस फेक नरेशन से बचा पाएंगे जो लुटियंस दिल्ली रचती है। क्योंकि लुटियंस दिल्ली को ये पसंद नहीं है कि कोई गांव से गरीब का बेटा आ जाए और उन पर शासन करे। धन्यवाद। जय हिंद।